बहुत अच्छी नहीं हूँ व्लॉगिंग में, पर ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरों के वीडियोस जो देखे थे उससे मुझे भी अच्छा लगा उनके व्लॉग्स देख के। उनसे थोड़ा जो मैं सीख पाई हूँ उससे मैं ये व्लॉगिंग करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों का, सभी का सपोर्ट चाहती हूँ, आपका ढेर सारा प्यार चाहती हूँ। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं चाहती हूँ। मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है व्लॉग्स के लिए, व्लॉग्स करने के लिए। मैं आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दूँगी धीरे धीरे करके। आपने इससे पहले मेरे थोड़े वीडियोस अगर आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे, तो छोटू सा कैट है मेरा, वो पिछले संडे को आया था। उसको किसी ने शायद छोड़ा था, बेचारे को, छोटू सा था। मुझे अच्छा लगा उसको रखने को, इसलिए मैंने रख लिया। और वैसे बताने जाऊँ तो मेरी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है हिंदी। हाँ, मतलब इंडियन लैंग्वेज जो होता है वो बहुत पसंद है मुझे। तो सभी में मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे कभी मराठी में होंगे वीडियोस, कभी गोवन लैंग्वेज में, गोवा की हूँ तो कोंकणी में होंगी। तो सारे लैंग्वेज में मैं ट्राई करूँगी एक एक ब्लॉग करना, ताकि सभी को समझ में आ जाए मेरे बारे में। इसलिए, और आप सभी धीरे धीरे करके मेरे साथ कनेक्ट होते रहना, आपका ढेर सारा प्यार देना। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि घर में किसी को पता नहीं है, इसलिए मैंने रूम लॉक करके ये कर रही हूँ आज। इससे पहले मैंने मेरे बर्थडे के डाला था व्लॉग, मतलब घर के ही कपड़ों में। मैंने कुछ स्पेशल कुछ नहीं किया है, शुरू शुरू में होगा। जैसे ही मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप लोगों का ढेर सारा जब मेरे चैनल पर प्यार होगा, तब मैं घर में बता दूंगी कि हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल खोला है और मैं आप लोगों से इस तरह से व्लॉग के ज़रिए बात करती हूँ, मेरे घर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो ये सब कुछ, मतलब ऐसे बोल, मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं किया है, मैं ऐसे ही आप लोगों से बात कर रही हूँ। क्योंकि बाकियों को देखा कितने अच्छे से बात करते हैं वो, उनको इतने सारे व्यूज़ हैं। अच्छा लगता है ना जब कोई आपको पसंद करे। तो मैं भी आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी मुझे वैसे ही ढेर सारा प्यार दे। अच्छा लगता है। और जब भी कोई नहीं रहता है घर में बात करने के लिए, तो बोर हो जाते हैं, तो फिर इस जरिए से भी मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। मेरे मन में जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी पति आ गए थे, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था, सब कुछ निकाल के रख दिया था, ये जो लाइट है वगैरह सब कुछ। उनको वॉशरूम यूज़ करना था, इसलिए मैंने ओपन कर दिया था डोर, और तब मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि घर में किसी को मालूम नहीं है कि मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया है, मतलब ये वीडियो बनाना शुरू किया है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं किसी को हर्ट करूँ। मतलब मैं कुछ बुरा तो कर नहीं रही हूँ, मतलब किसी को गाली देना ऐसा वैसा मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों से बात करनी है, आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, बस इसलिए मैं ये वीडियोस बना के पोस्ट कर दूँगी। और आप कमेंट ज़रूर करना, मतलब कमेंट के ज़रिए भी हमारे बात होती रहेगी। मैं इससे, इसके बाद, मतलब मेकअप के हो, ड्रेस के हो, ऐसे डिफरेंट कुकिंग वगैरह सब वीडियोस में मिक्स पोस्ट करने वाली हूँ। मेरा सिर्फ एक ही तरीका नहीं होगा, ये चैनल डिफरेंट होगा। मतलब मेरी लाइफ में जो भी होता है, मैं जो भी करती हूँ, वो मैं शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे मैंने केक बनाने का ट्राई किया था, वो भी मैंने, आप चैनल में देख सकते हैं वीडियो का, बाद में मेरे बर्थडे का किया था। बस मेकअप का था, वो मैंने शूट करके रखा है, उसको वॉइस ओवर करके एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगी कभी ना कभी। थोड़ा लेट हो गया है, हाँ, मतलब इतनी फ्रेंडली नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा सा, और घर में भी किसी को पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा छुप छुप के फिलहाल के लिए तो चल रहा है मेरा। जब मेरा अच्छे से हो जाएगा तब मैं सबको बता दूंगी कि हाँ, मैंने ये शुरू किया है। जब आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट होगा तब तो वो कुछ नहीं कहेंगे, हाँ इसका अच्छा चल रहा है, तो फिर कोई नहीं, करने देंगे वो मुझे बताया। फिलहाल तो कोई सपोर्ट नहीं है इनका,
लेकिन देखेंगे, दूसरों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं शुरू करना चाहती थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। इसलिए मैं आप लोगों से मांगती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे, इसका लाइट होने में। मुझे लगा ये बने, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मैं 4 मिनट के लिए बोल बोल रही थी, मतलब इससे पहले जो बना रही थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, माइक शायद चार्ज नहीं था इसलिए। तो आप समझ सकते हैं ना, इतनी हिम्मत करके चुप चुप के, एक तो चुप चुप के करना पड़ता है, और इतना हिम्मत करके जो मैंने 4 मिनट का बनाया था वो सारा वेस्ट चला गया, वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए अभी मैं पहले चेक करती हूँ कि पिछली बार इसको तभी मैंने चार्ज करके रखा था, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया था माइक। ये बहुत सिंपल सा माइक है, शुरू में इसी के लिया था मैंने कि मैं अब शुरू करूँगी तो चाहिए पड़ेगा। कुछ लोगों के ऐसे ही फ़ोन से ही वॉइस पहुंच पाती है, मेरे फ़ोन में वो उतना सा अच्छा नहीं आ रहा था, मुझे उतना सा नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने ये कैमरा ऑनलाइन ऑर्डर किया। वैसे ही मैंने ये रिंग लाइट भी ऑर्डर की, ये ट्राईपॉड, छोटा सा ट्राईपॉड है, ये भी बड़ा वाला है, छोटा छोटा बड़ा। मुझे पीछे जो बैकग्राउंड आता है वो भी लेना है। आप भी लोग सजेस्ट करें मुझे कि क्या क्या चाहिए पड़ता है। वैसे मैंने देखे हैं बाकी के वीडियोस, उनसे उन्होंने कहा था बस एक सिंपल सा कैमरा भी चलेगा, इसलिए मेरा फ़ोन जो भी है उससे मैंने शुरू किया है। धीरे धीरे करके मैं और भी वीडियोस रिकॉर्ड करके, एडिट करके अपलोड करती रहूँगी। वैसे मेरे लाइफ के बारे में, जो गोवा में मेरी लाइफ कैसे चलती है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मेरा वॉइस इससे अच्छा चाहिए तो मैं, हमारा दूसरा घर है जो बंद रहता है ज़्यादातर, वहाँ पे भी जाके मैं ट्राई करूँगी कि बिंदास मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। अभी फ़िलहाल के तो मैं इसी घर में, मेरी शादी भी थोड़ी नई नई हुई है तो फिर मैं यहीं पे ज़्यादा रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना अकेले में, क्या करें किससे बात करें, ऐसा भी हो जाता होगा उनके मन में, बाद में हो जाएगा उनके मन में, इसलिए नहीं जा रही हूँ अभी। धीरे धीरे करके जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए तब मैं उनको बता दूँगी। अभी अभी तक मेरे बच्चे भी नहीं है, मतलब अभी तक प्लान नहीं किया है, मतलब 1-1.5 साल हुआ है शादी को। कुछ लोग अभी बच्चे के लिए भी पूछ रहे हैं, इसके अभी तक कोई प्लानिंग नहीं, क्या बताऊंगी अभी। वैसे मेरा बिहेवियर खुद, मैं बच्चों की जैसी हूँ, बच्चे की तरह बिहेव करती हूँ अभी तक, इसलिए अभी तक थोड़ा प्लानिंग नहीं है, थोड़ा देर से ही करेंगे। मतलब अभी हम दोनों जॉब करते हैं, मतलब अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगे तब सोचेंगे। बाद में वो भी, बाकी उनके देखे थे मैंने बच्चे, उनके उनकी मस्ती वगैरह डालते हैं तो मैं भी बाद में डाल दूंगी। अच्छा लगता है शेयर करना, जो जो खुशी होती है ना वो एक दूसरे के साथ बांटनी चाहिए। ऐसा हमेशा मुझे लगता है कि मेरे भी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मैं किसी के साथ शेयर करूँ, किसी के सजेशन ले लूँ कि क्या किया तो अच्छा है, क्या किया तो नहीं अच्छा है। तो ये सब कुछ चाहिए पड़ता है लाइफ में, सपोर्ट चाहिए पड़ता है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मैं और एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, एडिट करूँगी खुद के फ़ोन में। वो एडिट करने का ऐप भी मैंने दूसरों से सुना था कि यू कट कुछ था, वो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, तो उससे मैं करके अपलोड कर दूँगी अभी कुछ देर में। बाद में सोचा फिर से उठ के सुबह मुझे खाना बनाना है, दो जगह पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, एक ट्रांसक्रिप्शन का काम है वो, और दूसरा कुछ कंपनी का है, तो दोनों के पार्ट टाइम ही करती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। मतलब जब चाहिए होते हैं तब छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। पहले मैं एंकर का जॉब करती थी न्यूज़ चैनल के लिए गोवा में ही, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है एंकर्स के लिए, मतलब फुल न्यूज़ आती हैं तो वो टाइप करना, सब कुछ रेडी करना, सब भाग दौड़, और उसमें छुट्टियाँ बार बार लेना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए वो जॉब मुझे छोड़ने पड़े हैं। अभी मैं घर से ही काम करती हूँ, अब जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस से मैं काम पे लग जाऊँगी। जब तक थोड़ा सा समय मिलता है तो आप लोगों से भी बातें होती रहेंगी मेरे इसके जरिए।
तो फिर अभी मैं बाय बाय बोलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे फिश फ्राई करने जाना है। इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए उनसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, इसलिए मैं हेल्प कर देती हूँ। वैसे मुझे पहले खाना बनाना नहीं आता था, उन्होंने ही मुझे सिखाया, अपनी बेटी की तरह ही रखती है। लेकिन मैं सब कुछ शेयर अभी नहीं कर सकती ना, जब आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट होगा ना, तब मैं ज़रूर उनके साथ शेयर करूँगी और उनको भी वीडियोस में शूट करूँगी मैं, और आप लोगों के साथ उनके भी जो एक्सपीरियंस हैं वो भी जो बातें बताएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।